हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त मनोज। दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों, मैंने आज शाम में एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसके अंदर में कुछ इफेक्ट हैं जो है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे बहुत दुखी हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ कि यार मैंने इतने मेहनत से वीडियो बनाने और मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। पर दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं हर शनिवार को सॉरी हर शनि फ्राइडे को जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ऐसे ही मैं हर फ्राइडे को आज भी शाम में 4 बजे के समथिंग मैंने अपलोड किया वीडियो, जब मैं इंस्टीट्यूट से आया था पढ़ा के तब। तो अभी मैं फिर से EDS पे जो हूँ, आप लोगों को कुछ PNG दे रहा हूँ, और PNG के साथ में जो है वो 600 PNG 600 GB सॉरी 600 MB का PNG है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो अगले वीडियो में जो है मैं आपको कुछ और बता दूँगा। अभी मैं ये PNG आपको दिखाता हूँ। ये वो सारे PNG हैं जिनमें कि आप अपना वीडियो फिट कर लगा के जो है, जैसे कि ये PNG है, ये PNG है। तो मेरे पास तो फ़िलहाल कौन सी वीडियो है, चलो यही नीचे वाली वीडियो में, ये वाली वीडियो को मैं कट करके आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। इसी के लेआउट जो उठा के इस पर डालेंगे और PNG को ऊपर करेंगे, और नीचे वाला जो है ये सेम कलर में, इसलिए आपको सही से दिख नहीं रहा है। तो मैं इसका कलर करेक्शन कर देता हूँ नीचे वाले का, ठीक है। अब नीचे वाले का मैंने कलर करेक्शन कर दी। ये इसके लेआउट पे जो है फिट नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैंने छोटा नहीं किया होगा इसकी वीडियो, नहीं किया हूँ सॉरी, बड़ा हो गया था, मैंने बड़ा ही कर रखा था शायद। ये जो है हमारा वीडियो सेट हो गया है, ये देख सकते हो आप कितनी बेहतरीन लग रहा है। इसके अंदर में मैं आप कोई भी वीडियो जो है, ये सारे PNG है, अपना वीडियो आप लगा सकते हो, और इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए जो है मैं ये अपना ये PNG यूज करता हूँ। ये PNG की थोड़ी सी जो है सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतना जल्दी तो प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं PNG ही अपलोड कर दूं, हालांकि ये PNG मैं अपलोड करने वाला नहीं था। तो आप इसको इस टाइप से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसी PNG के ऊपर मैं करने के लिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये तोता है हमारे पास, ये फुल्ली HD में है सारे के सारे। तोता को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, और ये तोता जो है, ये तोता जो है इस PNG के नीचे डालेंगे यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, पता नहीं चल रहा है अब, ये बिल्कुल ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप ये बना सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। आप इसके नीचे जो है कोई बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, या फिर ये फूल की जगह, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई अपना ग्राफिक ले लेता हूँ, 3D 2019, मान लीजिए इस फ्रेम पे यही मैंने ले लिया और इसको किया कॉपी
ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट आर कर दिया, तो आप देख लीजिए आपका पीएनजी कितनी खूबसूरत हो गया। तो ये सब आप खुद भी कर सकते हो, बशर्ते ये पीएनजी आपके पास होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप फुटेज लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए जो कि आप कर सकते हैं, आपके हम भी कर सकते हैं। इस पे भी हम जो है अपना वीडियो लगा सकते हो, कैसे लगाएंगे, मैंने मास्किंग उठाया, मास्किंग इस पे छोड़ा और मास्क जो है लगा दिया थोड़ा सा और बड़ा करके एरो की से सेट कर लिया इसको, और इसकी ओपेसिटी आउटसाइड जो है 0 कर दिया। यहाँ से तो ये कट गया, लेकिन जब मैं मेरे पास कोई वीडियो हो, मेरे पास अपना ही वीडियो जो है मैं लाता हूँ और पॉइंट लगा के ये वीडियो ले लिया। अब जो है मैं इसको किया हूँ, इसको अनचेक करेंगे, डिलीट, और इस पे जो मास था ये मास पकड़ के हम इस पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको इसके ऊपर छोड़ेंगे। अरे यार, मैंने मास्क गलत जगह रख दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, इस पे जो है मास्किंग लगा हुआ है, तो इसका 100% आउटसाइड 0। अब इसका जो है नीचे वाला के जो पीएनजी मास्क लगाए थे उसको करेंगे डिलीट। अब पीएनजी को हम कर देंगे ऊपर, ये देखिए। तो ये आपकी एक इफेक्ट बन गया, एक इफेक्ट ये हो गया, ये देखिए ये इफेक्ट, एक तो ये इफेक्ट हो गया और दूसरा इफेक्ट अभी चलेगा, एक इफेक्ट ये हो गया। आप चाहते हो यही इफेक्ट जो है मैं इसमें भी कॉपी करूं, तो मैंने यहाँ इन और आउट लगा रखा था, इसको कीजिए कॉपी और इस जगह जो है शिफ्ट आर कर दो। हालांकि ये फुटेज जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लीजिए, ये भी आपका फिट हो गया। और बस फ्रेंड, आज मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से 12 मिनट का वीडियो बनाया था। वीडियो बनाना, फिर उसको प्रोजेक्ट बनाना, उसको अपलोड करना, उसमें टाइम लगता है। ये 600 MB का फाइल है, हालांकि मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा तो जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी डाउनलोड करने में। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए, और हो सके तो मेरे दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है MBM मिक्सिंग करके नाम है, और उसका उस चैनल का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा, तो जो है आप उसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं उस पर वीडियो डालने वाला हूँ। पता नहीं इस पर भी स्ट्राइक लगाएगा क्या लगाएगा, मुझे नहीं पता। हालांकि इस पर एक स्ट्राइक पहले से है जो कि नवंबर में, 23 नवंबर को हटेगा, तो ज़्यादा तो यार बोला भी नहीं जा रहा, मैं क्या बताऊँ, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक सिस्टम होती है जिसको पकड़ के चलना होता है अपने को। मान लीजिए ये पीएनजी है, इस पीएनजी पे भी आप काम कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा लगेगा। ये सब फोटोशॉप का पीएसओ, सारे के सारे जो है पीएचडी में से निकला गया पीएनजी है, तो आप लोग यूज कीजिए। अब जैसे ये फ्रेम हम इस पे भी लगा सकते हैं। आज ही एक भाई ने बोला था ये आप जो है थोड़ा सा बेसिक के बारे में बताया कीजिए, तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। बेसिक तो हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये
हमेशा इसकी ओपेसिटी जो है आउटसाइड जीरो कर देना, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये वाला इसी को खींच के हम ले चलते हैं इस पे, ठीक है। जो इस पे मांस लगा हुआ है ये मांस पकड़ के हम वीडियो पे छोड़ देते हैं, और नीचे वाला का जो मांस है उसको डिलीट कर देते हैं, और पीएनजी को रख के ऊपर में। अब इसको जो है यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। खींचने का मतलब ये होता है जेपीजी और ट्रैक मैट मैट जो होता है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीडियो का साइज अगर 10 सेकंड का है तो 10 ही सेकंड का होगा। उसका आप स्पीड स्लो कर सकते हो, ठीक है, तब जा करके उसका स्पीड स्लो हो जाएंगे। अब ये देख सकते हो कि ये कितनी बेहतरीन इफेक्ट बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप मेरा पसंद होएगा आएगा और आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। तो अगर भाई अगर बीच वीडियो में अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ मैं आपसे दूसरे ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। आप ये देख सकते हो इस पे थोड़ा सा हम कलर करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर बैलेंस लाएंगे, कलर बैलेंस छोड़ेंगे और थोड़ी सी इसकी ऑफ ब्राइटनेस जो है ब्राइट जो है थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, और क्रोम हाउस की जो है हल्का सा 5 से 8 के बीच में करेंगे, और कंट्रास्ट को जो है थोड़ा सा डार्कनेस की तरह करेंगे ताकि इसकी जो है बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा धुंधला दिखे और इसका चेहरा जो है लाइट आ जाए। और थोड़ा सा इस मैजेंडा को हम छेड़ेंगे तो देखना इसका जो माला है उसकी कलर चेंज हो जाएंगे, और थोड़ा सा यहाँ देख रहे हो ग्रीन ग्रीन सी जो दिख रही है इस पे जो है मैजेंडा हम यूज करेंगे, देख रहे हो कलर चेंजेस हो गया। और येलो जो है यहाँ पे जो लगी हुई है येलो को इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना 6%, ठीक है, पहले है ये अब है, देखिए पहले वाला सॉरी ये अब वाला हमने कलर करेक्शन किया, इसकी जो है चेहरा भी थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, शार्पनेस हो गया, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए ये है, और हम इसको चेक करते हैं तो ये है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो वीडियो मिक्सिंग करने से पहले आपको कलर करेक्शन करना करना आना चाहिए। तो मैं इसकी वीडियो या कलर करेक्शन की जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोजेक्ट है जो है, इफेक्ट नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोजेक्ट जो है उसको हम कैसे यूज करेंगे वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।